हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। मैं लाया हूं एयरफोर्स और नेवी के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है बी लिटिल, इसका सिनोनिम बताना आपको, यानी पर्यायवाची यानी मिलते जुलते शब्द। चार ऑप्शन है, फेमिनिस्ट, स्ट्रेंथन, स्टाइलिश, डिस्पैरेज। दोस्तों आपको पहले बी लिटिल की हिंदी पता होनी चाहिए। बी लिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा समझना, नीच तुच्छ समझना, नीचा दिखाना, बुराई करना। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से डिस्पैरेज का भी मीनिंग यही होता है, किसी को नीचा दिखाना यानी या तुच्छ समझना। अगला प्रश्न है सॉर्डिड, सॉर्डिड इसका एंटोनिम बताना है आपको। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा, बेकार, भद्दा। चार ऑप्शन दिए हैं, फैटल, क्लीन, अनटाइडी, फ्रैंक। दोस्तों ऑप्शन से ही तुरंत पकड़ लिए होंगे आप, इसका आंसर होगा क्लीन, स्पष्ट, साफ सुथरा। सॉर्डिड माने गंदा, क्लीन माने साफ सुथरा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू डैश एज मेनी पेशेंट्स एज पॉसिबल। चार ऑप्शन है, हेल, हील, किल, हील। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा दोस्तों, HAIL, हेल, HEEL, हील, थोड़ा कंफ्यूज करेगा भाई। मेडिकल डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, ट्राई है, कोशिश करना है। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, हील। अभी आंसर क्यों होगा डी मैं आपको बताता हूँ। हील, हील का हिंदी होता है ठीक करना, जैसे डॉक्टर होता है ना मरीज को ठीक करता है, हील माने ठीक करना। तो मेडिकल डॉक्टर्स शुड ट्राई टू हील, मेडिकल डॉक्टर्स को कोशिश करना चाहिए ठीक करने का। एज मेनी पेशेंट्स, उतने ज़्यादा पेशेंट्स को एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो। दोस्तों ए नहीं हो सकता था क्योंकि हेल का हिंदी होता है ओले पड़ना, आसमान से जो ओले पड़ते हैं ना बरसात में। हील नहीं हो सकता था, हील माने एड़ी होता है, पैर की एड़ी जो होती है, और किल माने मारना। तो डॉक्टर है तो भाई पेशेंट को तो मारेगा नहीं, इसलिए आंसर होगा डी, हील, HEEL, हील, हील का जिसका हिंदी होता है ठीक करना। अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, यू आर एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। बहुत ही सिंपल है, हर एग्जामिनी इसे जानता है। एडिक्टेड का हिंदी होता है आदि, यू आर एडिक्टेड, तुम आदि हो। और ये प्रीपोजिशन, और ये दोस्तों प्रीपोजिशन टू लेता है, एडिक्टेड टू, एकस्टम्ड, एडिक्टेड, यूज्ड, अनयूज्ड, हैबिचुएटेड, ये सब टू लेते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, द PM यानी द प्राइम मिनिस्टर डैश द मीटिंग ड्यू टू पैंडेमिक। चार ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। चार ऑप्शन है भाई, कॉल्ड अप, लुक्ड अप, कॉल्ड ऑफ, मेड अप। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, ये सब फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों कॉल अप का मतलब था फ़ोन करना, तो फ़ोन करना का कोई सेंस यहाँ पे बैठेगा नहीं। लुकअप मैंने ढूंढना, ये भी नहीं बैठेगा, और मेडअप मैंने भरपाई करना। दोस्तों थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा इसे, पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, कोई वैश्विक महामारी, और ड्यू टू का मतलब के कारण। तो पैंडेमिक यानी महामारी के कारण मीटिंग को प्रधानमंत्री क्या करेगा, जैसे कोई महामारी हो गई तो कोई मीटिंग होगी अगर, तो उसे कैंसिल करना पड़ सकता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कैंसिल कर देना, पोस्टपोन कर देना, आगे स्थगित कर देना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंडिया डैश फ्रीडम 73 ईयर्स एगो। 73 साल पहले भारत ने आज़ादी पाई। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर ए लगाना चाह रहे होंगे, हैड गॉट, इंडिया हैड गॉट, सोच रहे होंगे बहुत लंबा समय बीत चुका है इंडिया को आज़ादी पाए हुए। लेकिन दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, अगर आपको सेंटेंस में एगो वर्ड दिख जाए, AGO, तो आंख बंद करके आप इसका आंसर लगा सकते हो V2 से, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें यूज होना चाहिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होना चाहिए वाक्य में। और गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होता है, तो गॉट होगा आंसर इसका। कई लोग इसका आंसर ए लगाना चाहेंगे बट ना लगाएं, एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है, आप देखेंगे। इसका आंसर होगा सी, इंडिया गॉट फ्रीडम 73 ईयर्स एगो। अगला प्रश्न है, दिस इज़ माई बुक, इन दिस सेंटेंस माई इज़ डैश। बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि इस सेंटेंस में, दिस इज़ माई बुक में माई क्या है, माई इज़ माई क्या है। तो दोस्तों ज़रा इसका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये ADVE है, एडवर्ब है कि प्रोनाउन है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। दोस्तों मैं आपको एक रूल बता दूँ, चूँकि बुक एक नाउन है, नाउन के पहले आने वाला कोई भी शब्द एडजेक्टिव होता है। दिस इज़ माई बुक में माई एडिक्टिव है, कई लोग सोच रहे होंगे कि प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन ये आंसर में नहीं है, प्रोनाउन सही आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा
एडजेक्टिव डी, नाउन के पहले आने वाला कोई भी शब्द एडजेक्टिव ही होता है। अगला प्रश्न है, कॉमन एरर है दोस्तों, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस बट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लूज, और चौथा ऑप्शन है डी नो एरर। बहुत ही सिंपल है, देखने में बस कठिन लग रहा है लेकिन है ये बहुत सिंपल। दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जान लो, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और किसी भी चीज़ का जांच पड़ताल करना हो तो इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, यहाँ पे इनटू नहीं होगा दोस्तों, इसलिए आंसर होगा बी, पुलिस ने जांच पड़ताल किया केस का बट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लूज, लेकिन कोई भी उसे उपयोगी सुराग नहीं मिला, नहीं मिल पाया। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अगला प्रश्न है दोस्तों, सीता सेड इज एवरीथिंग ओके, सीता ने कहा क्या सब कुछ ओके है, सही है। चार ऑप्शन है दोस्तों, ए बी सी डी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा होगा, आपने नरेशन में पढ़ा होगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन करना हो यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो सेड को आस्क्ड में बदलना पड़ता है, तो ए आंसर होगा नहीं क्योंकि भाई आस्क में तो किया नहीं है वो, और सी भी नहीं होगा, बचा बी और डी। तो अगर दोस्तों बी लगाते हैं तो सीता आस्क्ड इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, दोस्तों आपने ये रूल पढ़ा होगा कि सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, और ये तो इज है क्योंकि आस्क्ड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, इसलिए इज भी वॉज में होना चाहिए, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा, तो बचा डी, सीता आस्क्ड इफ़ एवरीथिंग वॉज ओके, इसका ये आंसर होगा दोस्तों डी। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको दोस्तों पैसिव वॉइस में बनाना है, और आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, एंड ही ब्रोक द रूल्स, उसने नियमों को तोड़ा विलिंगली, विलिंगली मैंने जानबूझकर, उसने नियमों को तोड़ा जानबूझकर, दोस्तों द रूल्स ऑब्जेक्ट है क्योंकि ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो रूल्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो जरूर रूल्स शुरू में आना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर में बी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि द रूल्स है ही नहीं शुरू में। अब बचा ए, तो द रूल्स वॉज, भाई देखो रूल्स बहुवचन है तो वॉज नहीं वेयर होना चाहिए, तो ए भी नहीं होगा। सी और डी दो ऑप्शन है, तो दोस्तों सेंटेंस चूँकि चल रहा है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका पैसिव वॉइस वॉज वेयर से बनना चाहिए, तो सी भी नहीं होगा क्योंकि आर लगाया हुआ है, तो बचा डी, उसने थोड़ा नियमों को जानबूझकर यानी द रूल्स वर ब्रोकन विलिंगली बाय हिम, नियमों को तोड़ा गया जानबूझकर बाय हिम उसके द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्लूरल ऑफ समन्स, समन्स वैसे तो देखने में ही लग रहा है कि समन्स प्लूरल है लेकिन समन्स एक वचन है, सिंगुलर है, जिसका हिंदी होता है बुलावा पत्र, अदालत द्वारा बुलाया भेजा गया कोई बुलावा पत्र, अदालत से किसी के लिए आता है कोई बुलावा पत्र, उसी को समन्स कहते हैं, और समन्स का बहुवचन दोस्तों होता है समन्सेज, बी। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये प्रश्न लेकिन ये इसका आंसर होगा बी, इसे याद रखिएगा। ए ग्रुप ऑफ वुल्व्स, जैसे डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, तो उसका बहुवचन होता है वुल्व्स, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस वुल्व्स, जिसका हिंदी होता है भेड़िया, भेड़ियों का समूह पूछ रहा है दोस्तों क्या कहते हैं, पैकेट पैक आर्मी स्वाम, दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर होगा बी, पैक, भेड़ियों के समूह को पैक कहते हैं, थोड़ा अजीब है लेकिन सही है। दोस्तों इडियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिस्ट में भाई हमारा अगला प्रश्न है, बिहाइंड द बार्स, बी ए आर बार, बार का मतलब दोस्तों बहुत कुछ होता है, वैसे बार का मतलब सलाखे भी होते हैं, बार का मतलब सलाखे भी होते हैं, सलाखे, और बिहाइंड मैंने पीछे, तो सलाखों के पीछे का मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी जेल में होना, तो चार ऑप्शन है, लुकिंग सैड, दूसरा ऑप्शन है इन अ गुड मूड, तीसरा ऑप्शन है अफेक्टेड, और चौथा ऑप्शन है इम्प्रिजेंड, तो इम्प्रिजेंड का मतलब होता है दोस्तों कैद, और कैद कहाँ, तो जेल में ही कैद, तो बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है जेल में होना यानी कैद होना, इसलिए आंसर होगा दोस्तों डी। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, ए बी सी डी, लग्जरी, कमेटी, टेरिबल एंड डी। इसे दोस्तों मैसेज पढ़ोगे, मसाज, दोस्तों ये मसाज है, ध्यान देना, ये मैसेज नहीं है, ये मसाज है, दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। दोस्तों ए सही है, बी भी सही है, मसाज भी सही है, दरअसल दोस्तों हमारा जो टेरिबल वर्ड है ना इसमें एक ही बी होता है, टेरिबल, भयानक, टी ई आर आर आई बी एल ई, टेरिबल का हिंदी होता है भयानक, इसलिए आंसर होगा दोस्तों सी, सी आंसर है। रिमूव टू, दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, रिमूव टू से, ही इज़ टू फैट टू रन, वह हद से ज़्यादा मोटा है दौड़ने के लिए, अर्थात इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी।
अब आते हैं दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द में, कह रहा है कि वन हु इज़ इररेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, अर्थात एक ऐसा इंसान जो भगवान के प्रति इररेवरेंट हो, अर्थात श्रद्धाहीन हो, जो भगवान को मानता ना हो, भगवान को भगवान के प्रति श्रद्धा न रखता हो, भगवान के बारे में कुछ गलत बोलता हो, ऐसे इंसान को दोस्तों कहते हैं ब्लास्फेमस। सी दोस्तों अगला प्रश्न जो है इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ लाभ मिल पाए। प्रश्न है आई एंटर्ड डैश द रूम, चार ऑप्शन है इनटू इनटू नो वर्ड। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी सच्चे मन से करते हो तो आपको ये प्रश्न पक्का दिखेगा, और अक्सर ये क्वेश्चन आता भी एग्ज़ाम में, तो इसको हल्के में नहीं लेना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।